मैं क्या पढ़ लू यार, एक रिकॉर्ड निकाल लो। क्या तुम क्या क्या कर रहे हो यार? ये क्रिकेट क्या है फालतू स्पोर्ट्स है यार, फारे से स्पोर्ट्स है। क्या हो गया अबे मियादाद की हरकत क्या है? वो गार्डनिंग करने आया उसको आउट कर दिया और बहस कर रहा हूँ। आप तो ही बहुत पुरानी है, तू लगा रहे 40-42 साल हो गए। मैं भी बहुत छोटा था जब ये हुआ है। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसको मुश्ताक वापस गए बुलाने के लिए। मुश्ताक अहमद कहाँ से आ गए? मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने तो खेला भी नहीं आपके साथ। अच्छा मुश्ताक अहमद ने साथ नहीं खेला? ये कहां से किताबें निकाल रहे? अगर तुझे पता चल जाए कि वो कहां गई और ये कहां से आई, तो मेरी जगह बैठा होता। 96 का आखिरी मैच याद है वर्ल्ड कप का, बैंगलोर क्वार्टर फाइनल, ने कैचेस पकड़े थे बाउंड्री पे। 96 क्वार्टर फाइनल मेरा वर्ल्ड कप जीत के खत्म। 92 का वर्ल्ड कप जीते उसके बाद कहां? देखो मेदार ने आखिरी कब मैच खेला अपने वर्ल्ड कप? 1992 में खेला होगा आपके ख्याल में, है ना? वर्ल्ड कप जीत के आए वर्ल्ड कप के बाद? वर्ल्ड कप के बाद जावेद भाई तो आए नहीं, और क्या फिर तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। जावेद मेदार रिटायरमेंट लेने वाले हैं। मुश्ताक मोहम्मद कभी करियर कितना ही लंबा, 1959 में डेब्यू हुआ था और 1979 सिर्फ रईस मोहम्मद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता और ना चारों ने खेलते, ठीक है? मुश्ताक अहमद ने 89 में डेब्यू किया, जावेद मियादाद को तो नहीं सकते। उसके बाद 1990 में मुश्ताक और अब्दुल कादिर दोनों की एक ही जगह के लिए जंग होती। कादिर वाज एट द बैक एंड ऑफ हिज करियर, फिर इंजरीज भी थी, फिर कादिर की कुट लगाई थी तेंदुलकर ने बहुत बुरी एग्जीबिशन मैच में पाकिस्तान में हुआ था। फिर कादिर हल्के से फेड आउट होते रहे और इमरान खान कादिर की जगह मुश्ताक को लेते रहे। उसमें मियादाद भी टीम में थे और तकरीबन 7 साल तो कहीं नहीं रहे मुश्ताक अहमद का करियर जो है उसमें मियादाद की मौजूदगी थी 7 साल तक। अब आप सुन लीजिए मियादाद के साथ जावेद भाई से। जावेद भाई ने 1992 के बाद इंग्लैंड टीम लेके गए और दूसरी बार सीरीज में हरा गया। जो उनका आखिरी दौरा था एज अ कैप्टन न्यूजीलैंड में, उसमें एंड्री जोन्स के साथ जा गया था, बैट्समैन ने शॉट मारा, जावेद भाई ने बॉल मारा, देख रहे हैं वो रनर को थ्रो यू की, वो बंदा आगे निकला हुआ और ऐसे थ्रो में थी कि उसकी विकेट बच गई और वो आगे खड़ा होगा। तो अपनी इस किताब में ये आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप पढ़िएगा, ठीक है? ये है एक मिनट रिटन बाय सात सप्तर, ठीक है? डॉक्टर सात सप्तर दोस्त है हमारे, कटिंग एज उनकी किताब है, जादू की किताब उठाई है ये, जादू की किताब पढ़ लो बेटा, बहुत चीजें इसके अंदर। चलो देखते हैं करते हैं। जा रहा हूँ मैं, बहुत फका दिया यार।